बेवकूफ है। अरे शनाया बेटा सुन तो सही, खाना तो खाकर जाना। मम्मा मुझे भूख नहीं है। बस इतनी सी बात? और आपकी शनाया? मम्मा शनाया ने तो टेस्टिंग दिया, वो तो बस मजाक कर रहे थे, तो मैंने भी जोर से कर लिया। पापा मेरे ना बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, आजकल मैं ट्यूशन से ब्रेक ले लूं। मैं अगर ऐसे ही रोज ट्यूशन ना जाने के बहाने मारती रहूंगी तो मुझे ट्यूशन जाना ही नहीं पड़ेगा। मेरे लिए पानी लाओ। ओके मैडम। शनाया इतने दिनों से ट्यूशन क्लास क्यों नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। पुनीत, पुनीत, शनाया, अनन्या, सियान, क्या हो गया? रमी क्या हो गया? मुझसे क्या पूछ रहे हो, क्या हो गया इससे पूछो। शनाया क्या हुआ बेटा? आप बोलो। अरे बोलो, तुम बोल रहे हो या मैं बोलूं? आप बोलो रमी। अभी इसकी ट्यूशन वाली मैडम का फोन आया था, वो कह रही थी कि शनाया इतने दिनों से ट्यूशन क्लास में आई ही नहीं है, और जबकि ट्यूशन क्लासेस चल रही हैं, ये रोज कोई ना कोई झूठा बहाना बना के ट्यूशन क्लासेस मिस कर रही थी। क्यों बेटा, आप ट्यूशन क्लास क्यों नहीं गए? बोलो ना शनाया। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मुझे नहीं जाना ट्यूशन, आप प्लीज मुझे किसी और ट्यूशन में डाल दो, ये वाले से निकाल दो। पर क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? ट्यूशन में मेरे को मेरे सीनियर्स बुली करते हैं, तंग करते हैं। बुली करते हैं? कौन बुली करते हैं, क्या कहते हैं? अनन्या दीदी है क्लासमेट्स, तन्वी दीदी, अभि भैया, पायल दीदी, वो मुझे कहते हैं कि हमें मैम और सर कहो। रोज मेरी नोटबुक चेक करते हैं और मेरी नोटबुक में क्रॉसेस बना देते हैं। उस दिन तो अभि भैया ने मेरे असाइनमेंट का एरोप्लेन बना के उड़ा दिया। सुनाया इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं है, इतनी डरपोक क्यों है? थोड़ी बहुत मस्ती तो चलती है, चिल कर ना। शनाया कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ट्यूशन टीचर से बात करूंगा। पापा नहीं, मेरे को ये वाली ट्यूशन जाना ही नहीं है। रमनीक मुझे लगता है शनाया ठीक कह रही है, हमारे को उसकी ट्यूशन चेंज कर देनी चाहिए। मैं दूसरी ट्यूशन के बारे में पता करती हूँ। हाँ जी, ये क्या मतलब हुआ? हाँ जी पुनीत, तुम भी ना बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हो, इसकी क्या गारंटी है कि जब तुम ट्यूशन चेंज करोगी तो वहाँ इसको कोई तंग नहीं करेगा? तो फिर क्या करें? अरे बाबा करना क्या है, इसकी ट्यूशन टीचर से बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। The next day, शनाया बेटा मैंने ना तेरी ट्यूशन टीचर से बात कर ली है और उनको बोल दिया है कि आपको वो सीनियर से दूर बिठाएंगे, अब तो किसी भी डर के बिना वहाँ जा सकती है। टेंशन नहीं लेनी, आराम से आप अपनी ट्यूशन क्लास जाओ। पक्का ना मम्मा? हाँ हाँ बेटा हाँ। Later. शनाया मेरे ऑर्डर्स याद है ना? हाँ जी दीदी, वो मेरा मतलब है मैम। मेरा बैग पकड़ो और चलो। Later. क्या हो गया शनाया बेटा, रो क्यों रहे हो? फिर नाटक शुरू होगा इस सोंदू बेबी के। मामा आप मुझे ट्यूशन से निकाल दो। बेटा मैंने तो आपकी मैम से बात की थी ना। मम्मा मैम का ध्यान रखने से क्या होता है, जैसे हम लोग ट्यूशन से बाहर निकले अनन्या दीदी की क्लासमेट और अनन्या दीदी भी फिर से शुरू हो गए। अनन्या तुम भी? नहीं मम्मा, मैंने बस अपना बैग शनाया को पकड़ाया था। पर तुमने अपना बैग क्यों पकड़ाया इसको? तुम ऐसा करो मुझे अपने सारे क्लासमेट्स का जरा नंबर दो, मैं उनकी मम्मा से बात करती हूँ। ठीक है मम्मा। A few moments later. हेलो, पायल की मदर बोल रही है? जी मैं शनाया की मदर बोल रही हूँ। आपकी बेटी मेरी बेटी को ट्यूशन क्लास में बहुत बुली करती है और शनाया बहुत परेशान रहने लग रही है। अच्छा चलिए मैं पायल से बात करूँ। प्लीज, थैंक यू। हेलो, अभय की मदर बोल रही है?
सारे बच्चे हैं, मस्ती तो करेंगे ही। हाँ? हेलो, तन्वी की माता बात कर रही हैं। मेरी तन्वी ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकती, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। क्या हुआ पुनीत, तुमने बात करी उन तीनों मम्मी से? बात तो करी है रमीक, पर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। पर क्या करे रमीक, शनाया बहुत परेशान है। क्या हुआ शनाया, इतना सड़ा मुंह करके क्यों बैठी है? कुछ नहीं। चल एक गेम खेलते हैं। मुझे नहीं खेलनी कोई गेम। नहीं सोच ले, अगर तू ये गेम जीत गई तो मैं तेरे को परेशान नहीं करूंगी। सच? हाँ। हाँ तो जरा बताओ क्या गेम है। ठीक है, गेम है जिसने भी सबसे पहले ये बॉटल का पानी खत्म कर दिया वो उस गेम का विनर। ठीक है लाओ यार बॉटल। तो 3, 2, 1 एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। और नहीं तो क्या? तो इसका मतलब आप मुझे परेशान करोगे? परेशान? और ज्यादा परेशान। सर नीचे कर और मेरे पीछे चल। गलती हमारी भी है पुनीत, हमें शनाया के बदलते बिहेवियर पे ध्यान देना चाहिए था। आप ठीक कह रहे हो रमनीक, हमें ध्यान रखना चाहिए था। इतने दिनों से शनाया गुमसुम थी, ना ठीक से खा रही थी, ना किसी से बात कर रही थी, ना किसी की बात पर ध्यान दे रही थी। हमें उसे बिठाकर पूछना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, बेटा प्रॉब्लम क्या है, जो हमने नहीं किया। पर क्या करे रमनीक। चलो अब कम से कम हमें प्रॉब्लम का पता तो चल गया है, तो इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन भी होगा। लेकिन क्या करें कि शनाया के ट्यूशन वाले बच्चे उसको तंग ना करें, उस पर अत्याचार ना करें। शनाया जा रूम से मेरी पसंद वाली गेम ले गया। कहाँ पर ये एग्जैक्टली? खुद ढूंढ। क्लासमेट्स मुझ पे अत्याचार करते हैं और घर पे दीदी खुद। मैं क्या करूं? थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। डिज्नीलैंड बर्थडे ऐसी पार्टी नहीं देखी, वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। गाइस मैंने तो बहुत एंजॉय किया, आपको पता है वो डिज्नी कैरेक्टर्स भी थे। वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक